रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आम पापड़। तो किस तरह से ये खट्टे मीठे आम पापड़ हम घर में बना के महफूज रख सकते हैं, चलें रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज निहत की रेसिपी बनने जा रही है, बड़ी यमी सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी रेसिपी। तो ये रेसिपी क्या है, रेसिपी बताने से पहले वही हम बस रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, उससे क्या होगा मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ जी हमने लिए हैं कच्चे आम, ठीक है। ये कच्ची केरी है जिसके अंदर नरम गुठली होती है, वो वाली कच्ची केरी है। आप सख्त गुठली वाली भी केरी का बना सकते हैं और आम का भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 1 किलो केरी ली है और साथ ही लिया मैंने 500 ग्राम चीनी यानी कि शक्कर ली है। मसालों में मैंने लिया है 1 पिंच मैंने ली है अदरक पाउडर, सौंठ का पाउडर जो होता है, 1/2 टीस्पून लिया मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून लिया मैंने टाटरी और 2 पिंच बराबर लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च और जाएगा इसके अंदर फूड कलर। देखिए फूड कलर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो, तो मैं यहाँ ग्रीन फूड कलर डालूंगी, आप ऑरेंज रेड जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये गुठली निकाल ली और इस गुठली के नीचे एक चिकना सा इसका छिलका टाइप होता है, जब ये केरी पक जाती है तो इसको ये केरी सख्त हो जाती है, तो ये अभी नरम है तो हमने इसको निकालना है ताकि जो है हमें छानना ना पड़े, ठीक है। अगर आपकी गुठली में इस तरह से सख्त हो और आप निकालना भूल जाएं तो आप उस पल्प को छान लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और इसका जो हमने चिकना पार्ट निकाला है उसको हमने लाजमी निकालना है। अब हमने एक पैन में ये तमाम जो है 1 किलो केरी जो छोटे छोटे पीस में कट करी थी ये पैन में डाल दिया, उसके अंदर हम डाल देंगे 2 गिलास पानी और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो गर्मी में आप इसको बना के रख लें, आप इसको 6 महीने रख के भी खाएंगे ना तो आपके ये आम पापड़ बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बच्चे बड़े बड़े ही शौक़ से खाते हैं बाज़ार से ला के। तो अभी अच्छी केरी आम आए हैं, आप घर में बनाए, देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल देखें किस तरह से सॉफ्ट हो गए। इसी तरह से हमें यह सॉफ्ट चाहिए था, तो आप हम इसको निकाल लेंगे इस पानी के अंदर से। इस पानी का भी आप जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर चीनी मिलाएं और थोड़ा सा नमक मिलाएं, आपके यम्मी सा मज़ेदार सा जो है शरबत तैयार हो जाएगा इस आम के पानी से। तो यहाँ देखिए मैंने पानी को निकाल दिया है इसमें से और ये केरी जो है इस तरह से सॉफ्ट केरी हो गई है। अब हमने इसका जस्ट पेस्ट बनाना है, तो यहाँ देखिए हमने मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। हमने इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई बाल नहीं था, कोई रशा नहीं था। तो हमने आपको गुठली निकालने का भी तरीका बता दिया, उसके ऊपर एक छिलका होता है उसको भी निकालने का तरीका बता दिया है। तो बस ये हमने पल्प डालना है, इसमें पानी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये पल्प डालने के बाद हमने इसके अंदर सिंपल डाल देनी है चीनी। आप यकीन जाने जब आप अपने घर में इसको बना के रखेंगे ना तो बच्चे बड़े बड़े शौक से खाएंगे और चलते फिरते आपके घर में आप बनाएंगे साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन चलते फिरते ये ख़त्म हो जाएंगे। और ये 4 मसाले हैं ये ऑप्शनल हैं, आप डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और जो हमने इसमें टाटरी डाली है ना, उसे क्या होगा, आप इसको लंबे अरसे तक महफूज करके रखेंगे, इसमें फंगस नहीं लगेगा और इसका जायका ख़राब नहीं होगा। पिंच ऑफ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, आप इस टाइम पे ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, रेड कलर डाल सकते हैं या बगैर कलर के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कलर वाली बना रहे हैं ताकि देखने में अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी लगे। तो देखें इस तरह से हमने इसको पकाना है अच्छे से, सारा जो है ये कलर चीनी मसाले आपस में मिला लेना है। जो हमने इसमें पिसी हुई मिर्च लाल वाली डाली है और ब्लैक वाली डाली है, उससे क्या होगा इसके अंदर खट्टा मीठा और हल्का सा स्पाइसी जो है टेस्ट आएगा, तो खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तो बार बार आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे घर में तो बड़े शौक से खाया जाता है, आपको कैसा लगता है कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से ये पकना शुरू हो गया है, अभी हमने इसको और पकाना है और ये जब तैयार होगा किस तरीके से तैयार हो जाएगा वो भी आपको मैं बताऊंगी। जब इस फॉर्म पर आ जाएगा तब आपने इसका फ्लेम बंद करना है, ठीक है। देखें अच्छे से हमने इसको पकाना है और 4 से 5 मिनट अभी ये देखें स्पून पर ठेड़ना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमने थोड़ा और पकाना है। देखें इस पर लकीर आ रही है, जब तक हम वो थोड़ा पक रहा है हम जो बर्तन में इसको सेट करेंगे उसमें हल्का सा ऑयल या घी से इसको ग्रीस कर लें। मैं यहाँ लगा रही हूँ ऑयल, तो मैं इस तरह से 2-3 परातों के अंदर जो है इसको डालूंगी, ये काफ़ी सारा बन जाता है ये 1 किलो आम से, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ देखें हमारा ये जो है मिक्सर जो हमने बनाया था कच्चे आम का, ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया, छोटे छोटे बबल आ गए। अब हम आपको बताएंगे तरीका,
देखिए इस तरह से मैंने एक प्लेट में डाला है, ये बहुत ठेर कर ये बहरा है, यानी कि जल्दी से नहीं ये बहरा, ये ठेर ठेर के यानी कि बहुत आस्था से सिलो से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस टाइम पे हमारा ये जो हमने मिक्सर तैयार करा है बिल्कुल रेडी है। अब हमने थोड़ा थोड़ा जो है इस तरह से जिस भी बर्तन में आपने इसको सेट करना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना, भरकर नहीं डालना, और इसको अच्छे से फैला लेना है। गरम गरम को ही आपने अच्छे से फैला लेना है और इसको रख देना है किसी भी टेबल पर, साइड टेबल पर, जहाँ आपको सहूलत हो उस जगह पर आप इसको रख दें, दें, और ये 4-5 घंटे में बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें, बहुत अच्छा सा सेट होगा। तो इसी तरह मैं तमाम को सेट करके रख लूँगी और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा तो आपको इसका निकालने का तरीका भी बताऊँगी और इसको डिश आउट करके भी दिखाऊँगी कि किस तरह से आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। तो यहाँ देखें ये अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया। हमने हाथ लगाया, बिल्कुल हाथ पे इसका वो मिक्सर नहीं लग रहा। तो आप इस तरह से कोई भी नाइफ ले लें, छुरी ले लें, चम्मच ले लें, या इस तरह से आप स्पून ले लें और उसको किनारों से इस तरह से हटा लें। तो ये देखिए आराम से ये हट जाएगा, बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमने नीचे जो है ऑयल को हल्का सा ग्रीस कर लिया था तो इस वजह से ये चिपका नहीं है। अब इसी टाइम पे हम इसकी जो है कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जिस शेप में इसको कटिंग करना है आप उस शेप में इसको कटिंग कर लें। तो मैं इस तरह से इसकी लाइनिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इस तरह से इसको रोल करेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से हम इसको उठाएंगे और आप देखें कितना अच्छा सा ये आर पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा जो हमारा है ये आम पापड़ बनकर तैयार हो गया है। आप इसको ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, जो आपको कलर पसंद हो आप उस कलर में इसको बनाकर बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं और आप महफूज करके रखें इसको 6 महीने। तो इसी तरह से मैं सबकी कटिंग कर लूँगी जितने मैंने बनाए हैं। बहुत आसानी से ये हट जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर आपने ग्रीस सही किया होगा तो बहुत आसानी से ये हट जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी इसी तरह से परात में रहने दें तो ये और अच्छा सा ड्राई हो जाएगा और अच्छे से इसकी कटिंग होगी। तो देखिए यहाँ मैंने 4-5 घंटे रखा था इसको, डाइनिंग पर रख दिया था, धूप में नहीं रखा था। देखिए आप इस तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, खट्टा मीठा, हल्का सा स्पाइसी हमारा ये आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ पहले जैसी रेसिपियों को भी आप इसको भी पसंद करेंगे और मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहेंगे। निगत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट्स लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।